ओम शांति। आज 22 मार्च 2023 के बाबा के अनमोल मधुर महावाक्य सुनेंगे। आज की मुरली में बाबा ने देह अभिमान और देही अभिमानी में क्या अंतर है उसको स्पष्ट किया। बाबा कहे, अब तुम्हें देह अभिमान से देही अभिमानी बनना है। देही अभिमानी बनना बहुत बड़ी मंजिल है, परंतु जब देही अभिमानी बनेंगे तब तुम अपने आप को ईश्वरीय संप्रदाय के कहला सकोगे। देह अभिमान वाला आसुरी संप्रदाय है। साथ साथ बाबा कहे कि देही अभिमानी बनने से ही तुम श्रीमत को अच्छी तरह से धारण कर सकते हो, अपकारी से उपकारी बन सकते हो और बुद्धि शुद्ध होने लगती है। देह अभिमान वाला अपकार करता है, उनकी बुद्धि बंदर मिसल है, शुद्ध नहीं है, चंचल होती है। और देह अभिमान वाले में ही क्रोध का भूत भी आ जाता है, तो और भी अपकार करने लग जाते हैं। देही अभिमानी बनने से ही तुम मंदिर लायक बनेंगे। और ही बाबा ने कई कॉन्ट्रास्ट बताए हैं कि देही अभिमानी बनने से क्या क्या फायदा होता है। सुनते हैं बाबा के आज के मधुर महावाक्य। ओम शांति। मीठे बच्चे, देही अभिमानी हो रहना यही बड़ी मंजिल है। देही अभिमानी को ही ईश्वरीय संप्रदाय कहेंगे। उन्हें बाप और परमधाम के सिवाय कुछ भी सूझेगा नहीं। बार बार उनकी बुद्धि बाबा के तरफ जाती है और अपने घर परमधाम के तरफ जाती है। आज की मुरली से प्रश्न है, इस एक बात की धारणा से भविष्य 21 जन्मों के लिए पूंजी जमा हो जाती है। उत्तर है, श्रीमत पर, अपने ऊपर तथा दूसरों पर उपकार करने से। बाबा कहे 21 जन्म की पूंजी जमा करनी है तो कैसे होंगी? श्रीमत पर, अपने ऊपर तथा दूसरों पर उपकार करने से। उपकार वही कर सकता जो पूरा देही अभिमानी बने, जिसकी बुद्धि शुद्ध हो। देह अभिमान में आने से अपकार हो जाता है और जमा हुई पूंजी खत्म हो जाती है, घाटा पड़ जाता है। क्रोध का भूत भी अपकार कराता है, इसलिए अपना स्वभाव बहुत मीठा बनाना है। आज की मुरली से पहले गीत बजा है, यह कौन आज आया मेरे मन के द्वारे। ओम शांति। जब परमात्मा बाप आकर के जीव आत्माओं से मिलते हैं तो जीव आत्मा को अपना जीव पना भूल जाता है, अर्थात ये देह भूल जाता है। उनको निश्चय हो जाता है कि हम आत्मा है और परमपिता परमात्मा की संतान है। बाकी जो कुछ हम देखते हैं, यह देह सहित देह के सर्व संबंधी आदि, यह तो याद रहना ही नहीं है। बाप आते ही है बच्चों को वापस ले जाने के लिए। मुख्य एम बाबा कहे, परमात्मा इस संसार में आते हैं बच्चों को साथ ले जाने के लिए। तब ले जाने के लिए जब आए हैं तो जाने की तैयारी क्या क्या होनी चाहिए? तो बाबा कहे, तुम चौंक उठते हो, ये क्या होता है? ब्रह्मा की अंधियारी रात पूरी हो, सवेरा होता है,
तो क्या करना चाहिए? देह सहित देह के जो भी संबंध है वह टूट जाते हैं। तो चौंक गए कि ये क्या हो गया है, ये पुरानी दुनिया देखने में नहीं आती, बस बाप और परमधाम ही सूझता है। ये वंडर है ना, परंतु बाप को पूरा न पहचानने के कारण, बुद्धि योग न लगने कारण देह अभिमान पूरा मिटता ही नहीं है। उनको हम बंदर संप्रदाय कहते हैं। जब देही अभिमानी बने तब ईश्वरीय संप्रदाय कहे। बंदर संप्रदाय का नारद के रूप में दृष्टांत है। वह भी भक्त था, झांझ बजाता था। उनको बाप ने दिखाया कि देखो तुम बंदर संप्रदाय हो तो देही अभिमानी हो रहना बहुत मुश्किल है, बड़ी मंजिल है, बल पवित्र बनते हैं। ऐसे अच्छे और बुरे मनुष्य तो होते ही हैं। अब सन्यासी घर बार छोड़ते हैं, पवित्र बनते हैं। जो घर बार नहीं छोड़ने वाले हैं गृहस्थी, बाबा कहे जो घर बार नहीं छोड़ने वाले हैं गृहस्थी, वह जाकर उन्हों को अपना गुरु बनाते हैं। कलियुगी दुनिया के सभी मनुष्य मात्र नास्तिक निधन के हैं। हे भगवान, हे परमपिता परमात्मा कहे, पुकारते तो है परंतु उनको जानते नहीं कि आखिरन भी वह कौन है, वह परमपिता परमात्मा कौन है। पुकारते पुकारते वह थक पड़े हैं। इतना रहम आता है बाबा को कि बेचारे पुकारते पुकारते थक पड़े हैं। कह देते हैं ईश्वर सर्वव्यापी है, बंदगी भी करते हैं परंतु जानते नहीं। ये तो समझने की बात है। भगवान वाच गीता में भी भगवान वाच है ना, यह है आसुरी संप्रदाय। भगवान ने क्यों कहा है तुम बंदर मिसल हो? अपनी शक्ल तो आईने में देखो, भगवान को जानते नहीं, ढूंढते रहते हैं। इसलिए मनुष्य को ही भगवान मिलना चाहिए। ढूंढने वाला मनुष्य है तो मिलना चाहिए भी मनुष्य को। ढूंढते हैं परंतु मिलते नहीं। तो जब भगवान आए तब आकर अपना परिचय दे। गीता में पूरा परिचय है, भगवत गीता में पूरा परिचय दिया हुआ है। कहते हैं मैं रुद्र हूं, मुझ रुद्र ने ये ज्ञान यज्ञ रचा है। अगर कहे श्री कृष्ण ने रचा तो कहे मैं श्री कृष्ण तुमको राजयोग सिखाता हूं। लेकिन कहीं पर भी ये नहीं कहा गया है कि मैं श्री कृष्ण तुम्हें राजयोग सिखाता हूं, परंतु श्री कृष्ण ज्ञान यज्ञ होता ही नहीं। ये तुम बच्चे ही जानते हो, बाकी तो सब मनुष्य मात्र आयरन एजेड है, मुख से पत्थर ही निकलते रहते हैं। झूठ बोलने वाले के लिए कहते हैं इनका मुंह काला। जब सन्यास धर्म की स्थापना होती है उस समय सृष्टि रजो है, तो भारत को पवित्रता में थमाने के लिए ये पवित्र धर्म की स्थापना होती है। उनको रजोगुणी सन्यासी कहा जाता है। द्वापर युग में आए तो रजोगुणी सन्यासी कहा जाता है। सन्यास जरूर करते हैं परंतु रजोगुणी। वह कोई सतो प्रधान नहीं है। जब भारत काम चिता पर चढ़ने से जलना शुरू हो जाता है तब ड्रामा में इस सन्यास का भी पार्ट है। और ये सन्यास धर्म का पार्ट ही ड्रामा में इसलिए है इस दुनिया को अपनी पवित्रता से थमाए। उन
उनको कोई सहज राजयोग नहीं कहेंगे, वह भगवान ने नहीं सिखाया था। वे तो भगवान को ही नहीं जानते। ये बड़ी भारी भूल कर दी है जो श्री कृष्ण को द्वापर में ले गए हैं। बाप बैठ भूले हुए मनुष्य को समझाते हैं, परंतु समझाने में बड़ी रिफाइननेस चाहिए, अर्थात इतना शुद्धि चाहिए। सन्यासी लोग कहते हैं, आप सन्यास धर्म की निंदा करते हो। बोलो, आकर समझो, पहले बताओ तुम निंदा किसको कहते हो। परम पिता परमात्मा जो सबका बाप है, गीता का भगवान है, उसने समझाया है, श्री कृष्ण ने नहीं। परम पिता परमात्मा ने आकर कहा है कि ये कलयुग का अंत है। मनुष्य की बुद्धि जड़ीभूत आसुरी बन गई है। यह है ही पतित आसुरी राज्य। सत्युग में है पावन दैवी राज्य। वह समझते हैं हम ही ईश्वर है। जैसे जैसे बुद्धि पतित बनती जाती तो समझते हैं हम ही ईश्वर है, परंतु वो तो है नहीं। ईश्वर तो सभी का एक है, जिसको सब याद करते हैं। ये समझने की बातें हैं। समझना हो तो समझो, परंतु समझाने वाला बड़ा रिफाइन चाहिए। जिनमें क्रोध का भूत होगा वो क्या समझा सकेंगे? क्रोध का भूत, मोह का भूत, लोभ का भूत, छोटे बड़े भूत तो होते ही है, गंदी आदतें हैं। बाबा कहे, ये छोटे बड़े भूत तो होते ही है हर इंसान के अंदर, और इस कारण से गंदी आदतें हैं। अच्छे अच्छे बच्चों से माया कुछ न कुछ करा देती है। अच्छे अच्छे बच्चों से भी क्या करती है माया? कुछ न कुछ करा देती है। यह है सब देह अभिमान की शैतानी। देह अभिमान आया तो फिर जैसे बंदर हो जाता है, फिर वह मंदिर लायक बन न सके। तुम जानते हो, मंदिर लायक देवी देवताएं ही बनते हैं, उन्हों के लिए ही मंदिर बनाया जाता है। सत्युग में तो सारी दुनिया को शिवालय कहा जाता है, सभी मंदिर में रहते हैं, सृष्टि ही पवित्र मंदिर बन जाती है। पूरी सृष्टि ही जैसे एक पवित्र मंदिर बन जाती है। विश्व शिवालय बन जाता है, जिसमें यथा राजा रानी तथा प्रजा सब पवित्र रहते हैं। तो कोई को बड़ा युक्ति से समझाना होता है। चूहा कांटता भी है, फिर फूंक भी देता रहता है, उनमें यह अकल है, समझ है। कोई सन्यासी आदि आए तो पहले युक्ति से उनकी महिमा करनी चाहिए। आओ सन्यासी जी, आप तो बहुत अच्छे हो, जो सन्यास किया है, घर बार छोड़ा है। तुमको मालूम है, दो प्रकार का सन्यास है। एक है घर बार छोड़ने का सन्यास, दूसरा है घर बार न छोड़ने का सन्यास। गृहस्थ व्यवहार में रहते राजयोग सीख स्वर्ग का मालिक बनना होता है। कभी सुना है? कहेंगे, यह बात तो कोई भी शास्त्र में नहीं है। गीता में श्री कृष्ण का नाम डाल द्वापर में ठोक दिया है, तो समझेंगे कैसे? फिर चित्रों पर समझाना होता है। तुम्हारा है घरबार छोड़ने का सन्यास। सभी तो नहीं छोड़ेंगे, प्रवृत्ति मार्ग है। तुमने प्रवृत्ति में रहते हुए फिर पांच विकारों का सन्यास नहीं किया है, हम कर रहे हैं। हमको मदद मिल रही है परम पिता परमात्मा की। ऐसे गृहस्थ व्यवहार में रहते पांच विकारों का सन्यास करने से हम स्वर्ग का मालिक बनेंगे। सत्युग में देवी देवताएं पवित्र थे,
अभी नहीं है। कलयुग के बाद फिर सतयुग आना है। बाप ही आकर सतयुग स्थापन करते हैं। प्रवृत्ति में रहते कमल फूल समान पवित्र बनाते हैं। तुम कहते हो आप कपूस इकट्ठे रह नहीं सकते। सन्यासी लोग कहते हैं आप कपूस इकट्ठे रह नहीं सकते, परंतु यहां रहते हैं। तुम्हारे पास प्राप्ति की एम ऑब्जेक्ट तो कुछ है नहीं। देहत का बाप जब आते हैं तब पुरानी सृष्टि का विनाश और नई सृष्टि की स्थापना हो जाती है। यह ज्ञान हमको मिलता ही है नई दुनिया के लिए। हाँ, ये ज्ञान है ही नई दुनिया के लिए। बाप कहते हैं देह सहित जो भी तुम्हारे संबंध आदि है सबको भूल अपने को देही समझ मुझे याद करो। यह हमारा राजयोग है सतो प्रधान। अब तो है तमो प्रधान, फिर तमो प्रधान से सतो प्रधान सृष्टि जरूर बननी है। सतो प्रधान बनाने वाला रचयिता बाप ही ठहरा। हम उस बेहद के बाप से ये सीख रहे हैं। भगवान एक है। ब्रह्मा विष्णु शंकर को भी देवता कहा जाता है। उनसे नीचे तबके वालों को मनुष्य कहा जाता है। भगवान रहते ही है परम धाम में। हम आत्माएं भी वहां रहती है। ऐसे रिफाइननेस से समझाना है। परंतु योग पूरा नहीं है तो धारणा नहीं होती है। बाबा जो समझाते हैं वह किसको याद थोड़ी पड़ता है। भल कोई बच्चे कहे हम याद करते हैं, परंतु बाबा मानते नहीं। अगर तुम याद करते हो तो बुद्धि शुद्ध होनी चाहिए और धारणा अच्छी होनी चाहिए। धारणा है तो फिर करानी भी है। उपकार करना है। तुम जानते हो बाप आकर सब पर उपकार करते हैं। माया रावण अपकार करती है। माया क्या करती है? अपकार करते हैं। बाप आकर एक ही बार इतना उपकार करता है जो 21 जन्म हमारा उपकार हो जाता है। उपकार कहो अथवा कृपा आशीर्वाद आदि जो कहो, द्वापर में फिर अकृपा शुरू हो जाती है। रावण अपकार करते हैं। श्रीमत से ही तुम कोई का भी उपकार कर सकेंगे। फिर देह अभिमानी बना तो अपकार करना शुरू कर देंगे। उपकार करने से भविष्य 21 जन्म के लिए पूंजी जमा होती है। उपकार करने से भविष्य 21 जन्म के लिए पूंजी जमा होती है। अपकार करने से जो जमा हुआ होता है वह भी खत्म हो जाता है। जबकि उपकार करना जानते हैं तो करना है। उपकार करना नहीं जानते हैं तो जरूर अपकार ही करेंगे। आसुरी मत पर मनुष्य हर एक दो पर अपकार ही करते हैं। काम कटारी चलाते हैं। बाप को भूला, अपकार करना भूला तो वह फिर अपकारी जरूर बनेगा। सेकंड में उपकार, सेकंड में फिर अपकार कर देते हैं। अच्छे अच्छे बच्चे कितने उपकारी थे, उपकार करने की शिक्षा जानते थे। अपने ऊपर भी उपकार करते थे तो औरों पर भी करते थे। फिर माया के चक्र में आकर भागंती हो गए, अपकारी बन पड़े। कितना अपकार करते हैं मनुष्य समझते हैं। कुछ तो होगा जो भागे हैं। हम फिर कैसे जाएं? उल्टी सुल्टी बकवाद जाकर करते हैं। गोया जो उपकार करके खाता जमा किया सो फिर अपकार करके अपने खाते को मिट्टी में मिला दिया। ऐसे बहुत हुए हैं और होते रहेंगे। अच्छे अच्छे बच्चे भी माया के चक्कर में
आ जाते हैं, तो उपकार के बदले फिर बाद में अपकार करने लग पड़ते हैं। देखो जिसने उपकार किया वही फिर देह अभिमान में आने से अपकारी बन पड़ा। मनुष्य मनुष्य पर अपकार ही करते हैं, उपकार कोई कर न सके जब तक श्रीमत पर न चले। अपकार कराने वाली रावण मत है, अभी अभी श्रीमत अभी अभी रावण मत पर चल पड़ते हैं। क्रोध का भूत आया और अपकार कर लिया, बाप पर अपकार का कलंक लगा दिया, निंदा करा दी। बाप क्या कहेंगे, ईश्वरीय औलाद ऐसे होते हैं, वह फिर दिल से उतर जाते हैं। कोई का भूत निकल जाता है तो फिर महिमा भी करते हैं। क्रोध बहुत खराब है, इसके बाबा हमेशा कहते हैं मीठे टेम्पर अर्थात मीठे स्वभाव वाले बनो। क्रोधी टेम्पर यानी क्रोधी स्वभाव अज्ञान है। बाप समझाते हैं ममत्व को बिल्कुल छोड़ना है। ममत्व टूटते टूटते जब अंत का समय आएगा तब संपूर्ण बनेंगे। रेस है ना, बच्चे जानते हैं मम्मा बाबा पहले पहुंचते हैं, तो उनकी मत पर चल फॉलो करना चाहिए, धारणा करनी चाहिए। माँ बाप के दिल पर चढ़ेंगे तो तख्त पर भी बैठेंगे। अपने से पूछना है कि हम लक्ष्मी को वरने अर्थात माँ बाप के तख्त पर बैठने लायक बने हैं। अगर समझते हैं हमारे में क्रोध है तो वह कभी दिल पर चढ़ न सके, न भविष्य में महाराजा महारानी बनेंगे। कदम कदम श्रीमत पर चलना है। अगर ट्रेटर बन पड़े तो जाकर चांडाल बनेंगे। वो बहु कल्प पहले वाली बातें बाबा रोज रोज सुनाते रहते हैं, उनमें कहां भी फर्क नहीं पड़ सकता। कितना ज्ञान का नशा रहना चाहिए, परंतु जो सर्विस पर होंगे उनको रहेगा। जो जैसी सर्विस करते हैं उनको फल जरूर मिलता है। नंबर वन है नॉलेज देना, उसमें बहुतों को सुख दे चक्रवर्ती बनाना है। बाबा कहे नॉलेज के आधार पर बहुतों को सुख दे चक्रवर्ती बनाना है। औरों को बनाएंगे, सर्विस की युक्तियां तो बहुत अच्छी बताई जाती है, कहां भी सर्विस हो सकती है। फिर करके 100 में से एक जगेगा। सर्विस करो तो कहां भी बाबा कहे 100 में से एक जगेगा, मेहनत का काम है। ऐसे ऐसे रात दिन बाबा का विचार सागर मंथन चलता है, अनेक प्रकार के विचार चलते हैं, इतने विघ्न पड़ते हैं। विश्व को पवित्र स्वर्ग बनाना है, उसके लिए अथाह ख्यालात चलते हैं। ख्यालात करते करते रात से सुबह हो जाती है, इसलिए गाया हुआ है नींद को जीतने वाले। बाबा को कभी कभी तो नींद ही नहीं आती है, ब्रह्मा बाबा को कभी कभी तो नींद ही नहीं आती। बच्चों को विश्व का मालिक बनाना है तो इतना फिक्र रहता है, तुम बच्चों को भी इतना फिक्र रहना चाहिए कि हम श्रीमत पर कहां तक चलते हैं। बाप दादा संग हम बच्चों को ही कंधा देना है, सारी पुरानी दुनिया को रवाना करना है। अच्छा मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों प्रति मात पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम सब रूहानी बच्चों की रूहानी मात पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते। शुक्रिया बाबा शुक्रिया। आज की मुरली से धारणा के लिए मुख्य सार है, पहली पॉइंट, कभी भी रावण की मत पर चल, देह अभिमान में आकर
बाप का अपकार नहीं करना है, निंदा नहीं करानी है, श्रीमत पर अपना तथा सर्व का उपकार करना है, श्रीमत पर अपना तथा सर्व का उपकार करना है। दूसरी पॉइंट, क्रोध का भूत प्रवेश होने नहीं देना है, बहुत मीठा स्वभाव बनाना है, युक्ति से सेवा करनी है। आज का बाप दादा का मधुर वरदान हम बच्चों के प्रति संपर्क में आने वाली आत्माओं को सदा सुख की अनुभूति कराने वाले मास्टर सुखदाता भव, संपर्क में आने वाली आत्माओं को सदा सुख की अनुभूति कराने वाले मास्टर सुखदाता भव। आप सुखदाता के बच्चे मास्टर सुखदाता हो, इसलिए सुख का खाता जमा करते हो। सिर्फ ये चेक नहीं करो कि आज सारे दिन में किसी को दुख तो नहीं दिया, लेकिन चेक करो कि सुख कितनों को दिया। जो भी संपर्क में आए, आप मास्टर सुखदाता द्वारा हर कदम में सुख की अनुभूति करें। इसको कहा जाता है दिव्यता व अलौकिकता। सबको सुख का अनुभव कराना, बाबा कहते इसको कहा जाता है दिव्यता व अलौकिकता। हर समय स्मृति रहे, इस एक जन्म में 21 जन्मों का खाता जमा करना है। आज का स्लोगन है, एक बाप को अपना संसार बना लो तो अविनाशी प्राप्तियां होती रहेगी। एक बाप को अपना संसार बना लो तो अविनाशी प्राप्तियां होती रहेगी। अच्छा, ओम शांति। To watch Peace of Mind channel videos on YouTube, subscribe us on youtube.com/TV Peace of Mind. Just a click for a peaceful life.